हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अजयपाल सर फ्रॉम विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनी। नाउ स्टार्ट द नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स ऑफ प्लस वन फिजिक्स काइनेमैटिक्स। ओके, चैप्टर काइनेमैटिक्स। नाउ स्टार्ट द न्यूमेरिकल। ओके, हियर टू फोर्सेस हुज मैग्नीट्यूड आर इन रेशियो 3:5। मतलब दो फोर्सेस आपको दे रखी हैं। ओके, उनका क्या है रेशियो, क्या है 3:5। गिव ए रिजल्टेंट ऑफ 28 न्यूटन। ओके, वो क्या कर रहे हैं 28 न्यूटन का रिजल्टेंट हमें दे रहे हैं। इफ द एंगल ऑफ देयर इंक्लाइनेशन इज 60 फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच अदर। आपने क्या करना है, दोनों का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो चलो, क्या इसमें मैं आपको डायग्राम बना के बताता हूँ। क्या बता रखा है, दो फोर्स है। ओके, उन्होंने बोला दो फोर्सेज हैं। ओके, चलो हम ऐसे करते हैं, ये दो फोर्सेज बना रहे हैं। एक फोर्सेज है 3:5। ओके, रेशियो के अंदर तो उनका जो रिजल्टेंट है, ये दिस इज देयर रिजल्टेंट, वो कितना है 28 न्यूटन। इफ द एंगल ऑफ देयर इंक्लाइनेशन, उन्होंने बोला इन दोनों के बीच में जो एंगल है मान लो 60 डिग्री का है, तो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच अदर, ये दोनों कितने होंगे, ये आपने फाइंड आउट करना। ओके, तो आप क्या करते हो, लेट करके आप क्या लिखो, लेट ए एंड बी बी द टू फोर्सेस। मान लो ए और बी दो फोर्सेस, ठीक है। आप ए को मान लो 3x, दिस इज द ए मान लो, ये बी मान लो। ओके, आपने ए और बी को तो दो फोर्सेस मान ली। ओके, दस क्या होगा, तो ए होगा वो कितना होगा 3x होगा, ठीक है। ये आपको पता है ए इज 3x हो जाएगा, और बी कितना होगा, बी इज इक्वल टू 5x। ओके, ये आपको पता चल गया, ए 3x है, बी 5x। ओके, अब आपको रिजल्टेंट भी दे रखा है, कितना दे रखा है 28 न्यूटन आपके पास रिजल्टेंट है, और एंगल कितना दे रखा है, थीटा कितना दे रखा है 60 डिग्री आपके पास एंगल दे रखा है। आपने क्या करना है, दोनों का रेशो आपको दे रखा है, रेशो कितना दे रखा है a बाय में b इज इक्वल टू 3:5, ये दे रखा गिवन है, दिस इज ओके गिवन। अब आप क्या करोगे, रिजल्टेंट का फार्मूला लगाओगे। रिजल्टेंट का फार्मूला आपको पता है क्या होता है, वेक्टर एडिशन से क्या फार्मूला लगेगा रिजल्टेंट का, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab cos। ये फार्मूला हमेशा याद रखना, ट्राइंगल ला का ये फार्मूला है। ओके, आपका ये फार्मूला लग गया। अब आप क्या करो, जो जो चीजें आपके पास गिवन है उनको पुट आउट कर दो। 28 आपके पास फोर्स गिवन है। ओके, अब ए कितना गिवन है 3x, 3x का स्क्वायर हो जाएगा। बी कितना गिवन है 5x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 × 3x × 5x कोस 60 डिग्री, ये आपके पास सब कुछ गिवन है। ओके, तो ये यहाँ से 28 आ जाएगा। इसका क्या करोगे, रूट करोगे, कितना बचेगा 9 का क्या होता है, 3 का क्या होता है 9x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा देखो, कितना आएगा मल्टीप्लाई करवाने से 15 और मल्टीप्लाई 30 आ जाएगा। ओके, 30x स्क्वायर मल्टीकोस की वैल्यू 1/2। ओके, कोस 60 की वैल्यू 1/2, ये इससे कर देगा 15 आ जाएगा। ओके, तो आपके पास क्या बचेगा 28। आपको दिख रहा होगा 28 इज इक्वल टू ओके 9x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 15x स्क्वायर। ओके, इस सभी को आप सोल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा 28, यहाँ पे सभी को जोड़ोगे तो आपके पास क्या बचेगा, अंदर रूट के अंदर 25 और 40 और 9 49x स्क्वायर। ओके, तो आपके पास 28 इज इक्वल टू 7x बचे। ओके, एक्स की जो वैल्यू आएगी 28 बाय में 7 इज इक्वल टू 4 आ जाएगी। ओके, तो यहाँ से आपको फोर्सेज आ जाएंगी, फोर्सेज फोर्स जो फर्स्ट ए फोर्स आएगी, ए को 3 से मल्टीप्लाई करना, 3 × 4 12 न्यूटन हो जाएगी, और बी जो फोर्सेज होगी वो आपकी कितनी हो जाएगी 5 × 4 20 न्यूटन। ओके, तो ये आप इस तरीके से कर लेगा। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। ओके, तो सबसे पहले क्या किया था, इसके अंदर आपने दो फोर्सेस ली थी, दोनों फोर्सेस का रेशियो लिया था,
ओके, तो इस तरीके से आपने ये कैलकुलेशन की थी। ओके, चलो नेक्स्ट हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। ये फार्मूला आपने रिवाइज रखना है, रिजल्टेंट का फार्मूला। ओके, मेन नाउ द नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एम द वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू बी। ओके, तो उन्होंने बोला है कोई एम है। ओके, उन्होंने बोला है एम की कितनी वैल्यू होगी कि जो ए वेक्टर है वो बी वेक्टर के परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो एम कहाँ पे है दिस व्यक्ति। ओके, ये आपने ये एम कैलकुलेट करना है। तो आपके पास क्या दे रखा है, गिवन के अंदर लिखो, गिवन क्या दे रखा आपके पास। ओके, दो वेक्टर दे रखे हैं। ए वेक्टर कितना दे रखा है, 2i cap + 3j cap - 6k cap। ओके, ये आपके पास फर्स्ट वेक्टर दे रखा है। सेकंड वेक्टर आपके पास कितना दे रखा है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर, 3i cap - mj cap + 6k cap। ओके, तो ये आपके पास दो वेक्टर आपको गिवन है। अब आप ये कंडीशन याद रखना कि जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं, ओके, यहाँ पर परपेंडिकुलर बता रखे हैं कि परपेंडिकुलर होंगे, तो परपेंडिकुलर के अंदर आप क्या करते हो, ए डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा। ओके, ये फार्मूला हो गया। और थीटा परपेंडिकुलर के अंदर कितना होगा, 90 डिग्री का। ओके, तो यहाँ पे ए बी कोस 90 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, कोस 90 डिग्री, जीरो। ओके, तो जीरो आ जाएगा, कोस 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है दैट इज द जीरो। ओके, तो यहाँ से आपको जीरो आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना। चलिए डॉट प्रोडक्ट करते हैं दोनों वेक्टर का। ए वेक्टर लिखो 2i cap + 3j cap - 6k cap, डॉट प्रोडक्ट साथ में 3i cap, ओके, -mj cap + 6k cap, ओके, इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दिया आपने। अब आपने सिंपल मल्टीप्लीकेशन करनी है। देखो, दो को तीन से मल्टीप्लाई करोगे, करो 2 × 3 + 3 को किससे करोगे, m से, 3 × -m हो जाएगा। फिर आप किसकी मल्टीप्लाई किससे करोगे, देखो -6 × 6 से, प्लस के अंदर -6 × 6 इज इक्वल टू जीरो। सिंपल मल्टीप्लीकेशन करनी है, 6 − 3m - 36 इज इक्वल टू जीरो। ओके, तो यहाँ से -3n, ओके, 36 − 6, ओके, तो यहाँ पे -3n इज इक्वल टू 30, जो n होगा दैट इज 10 आ जाएगा। ओके, m आएगा यहाँ पे, हम m लिख रहे हैं, m होगा वो क्या आएगा, -10 आ जाएगा। ओके, तो दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगे, तो ये समझ आपको आ गया होगा। ओके, हम आगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं, जो देखते हैं। देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल के अंदर क्या लिखा हुआ है। ओके, पढ़ो एक बार, ए हाइकर स्टैंड्स ऑन द एज ऑफ ए क्लिफ। ओके, कोई हाइकर है, वो क्या कर रहा है, एज के ऊपर खड़ा हुआ है। ओके, किसी चोटी के एज के ऊपर खड़ा हुआ है। कितनी चोटी की ऊंचाई है, 490 मीटर अबव द ग्राउंड। ओके, 490 मीटर अबव द ग्राउंड उसकी क्या है, ऊंचाई। एंड थ्रो ए, ओके, और क्या करता है, थ्रो ए स्टोन, स्टोन को गिराता है हॉरिजॉन्टली नीचे की तरफ, विद एन इनिशियल स्पीड। ओके, इनिशियल स्पीड, स्टार्टिंग वाली स्पीड आपको दे रखी है 50 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये आपके पास गिवन है। निगलेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस, उन्होंने बोला एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर दो, फाइंड द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड। उन्होंने बोला है टाइम बताओ, कितने टाइम के बाद वो स्टोन ग्राउंड पे रीच करेगा। एंड द स्पीड विद विच इट हिट द ग्राउंड। ओके, कितनी स्पीड के साथ वो ग्राउंड को हिट करेगा। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, गिवन लिखोगे। ओके, सबसे पहले आपने क्या लिखा ना, आपके पास जो जो गिवन है। चलो स्टार्ट करते हैं अमेरिका सॉल्यूशन। ओके, गिवन क्या क्या है आपके पास, सबसे पहले आपको हाइट दे रखी है। हाइट कितनी दे रखी है, 490 मीटर आपके पास हाइट दे रखी है। और आपके पास क्या दे रखा, स्टोन हॉरिजॉन्टली वेलोसिटी दे रखी है। ओके, दो वेलोसिटी होती है, एक हॉरिजॉन्टल होती है, एक वर्टिकल होती है। ओके, तो आपको हॉरिजॉन्टली नीचे की तरफ जो है वो क्या कर रहा है, अबव द ग्राउंड है ना, एंड थ्रो स्टोन हॉरिजॉन्टली विद इनिशियल स्पीड, हॉरिजॉन्टली थ्रो करता है
तो यू एक्स आपको क्या दे रखा है, कितना दे रखा है यू एक्स, 50 मीटर पर सेकेंड। ओके 50 मीटर पर सेकेंड आपको क्या दे रखी है, यू एक्स दे रखा है। ओके अब यू एक्स आपको गिवन है और आप पास एक्सेलेरेशन और ग्रेविटी आपको दे रखी है। ओके ये एक्सेलेरेशन हमेशा, अब देखो मैं बताता हूँ आपको उसने कैसे किया। ओके ये आपके पास कोई क्लिफ थी, मान लो आप ऐसे चोटी, मान लो दिस इज द क्लिफ। ओके अब इस चोटी से उसने यहाँ पे कोई आदमी खड़ा था, ओके उसने क्या किया ऐसे स्टोन फेंका इधर को, तो ये आपको वेलोसिटी दे रखी यू एक्स वाली। ओके और इस तरीके से फेंका, अब वो क्या करेगा नीचे की तरफ, इस तरीके से ना जाएगा नीचे की तरफ जाएगा, तो आपके पास ये वेलोसिटी यू एक्स होती है और ये वेलोसिटी आगे यू वाई होगी और एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ होगी ए वाई एक्सिस के अंदर। तो ए वाई आपके पास जो कितना दे रखा है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके अब ए एक्स जो होगी याद रखना, जो ए एक्स होगी क्योंकि उसने वेलोसिटी के साथ, क्योंकि वेलोसिटी उसकी फिक्स है चेंज नहीं करी वेलोसिटी, तो ए एक्स उसकी जीरो होगी। ये आपने याद रखना हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अंदर जो वेलोसिटी होती है वो जीरो होती है। ओके ये आपके पास हो जाएगा। अब आपने सबसे पहले टाइम बताना, तो ये टाइम ऑफ लाइट का फार्मूला है आपने याद रखना, टाइम ऑफ लाइट इस चैप्टर के अंदर सबसे ज्यादा फार्मूला ही आपने रिवाइज करना। टाइम ऑफ लाइट का क्या फार्मूला होता है, रूट टू एच बाय में जी। ओके तो ये फार्मूला होता है, आप ये फार्मूला लगाओगे वैल्यू पुट करोगे, चलो वैल्यू पुट करते हैं, आपने टाइम कैलकुलेट करना है तो 2 इंटू हाइट कितनी है 490 बाय में जी कितनी है। ओके जी आप ऐसे करो अप्रोक्सीमेटली 9.8 है ना, तो 10 भी इसको ले सकते हो। ओके तो 9.8 होगी, ये हो गया। अभी देखो यहाँ पे 49 है, आप इसका क्या करो ये पॉइंट हटा के ऊपर लगा दो, ऊपर लगा दिया। अब ये जो 49 है, ओके क्या करो आप इसको डिवाइड कर सकते हो। ओके 98 को आप डिवाइड करोगे इससे तो कितना आएगा 5। 9.8 को आप सीधा भी डिवाइड कर सकते थे, तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो आएगा, चलो हम डिवाइड ही कर लेते हैं 2 से, 2 पे चला जाएगा ये, यहाँ पे 49 बचेगा वहाँ पे, इसको सीधा हम करते हैं। ओके ये 98 हो गया, ये हमारा डिवाइड होके यहाँ पे आएगा 9.8 को सीधा करते तो आंसर आपका यहाँ पे बचे 100 आ जाएगा आपके पास 100। ओके इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास 100 आएगा। ओके 100 आ गया, तो 100 ये 50 पे उससे डिवाइड होता है कि 50 पे, क्योंकि ये देखो आपको पता है ये डबल है उससे, 49 डबल है। ओके 9 इससे डिवाइड करोगे 50 पे डिवाइड होता है, तो ये 100 आ जाएगा। अब 100 का आपने क्या करना है, रूट निकालना है। रूट कितना होता है 100 का, 10 सेकेंड आपके पास टाइम। ओके अब उन्होंने पूछा है निगलेक्टिंग द एयर फाइंड द टाइम टेकन बाय स्टोन टू रीच द ग्राउंड एंड स्पीड विद विच इट हिट द ग्राउंड, आपने स्पीड भी बतानी है कि कितनी स्पीड के साथ वो ग्राउंड को हिट करेगा। ओके तो आपके पास ये स्पीड का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे देखो फार्मूला यहाँ पे लगेंगे वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी, ये हो गया एक्स एक्सिस वाला, एक्स एक्सिस के लॉन्ग। ओके एक फार्मूला का वाई एक्सिस के लॉन्ग जो नीचे की तरफ उसको लेके जा रहा है, यू वाई प्लस ए वाई टी हो जाएगा, ये वाई एक्सिस की तरफ फार्मूला हो जाएगा। ओके आपको दिख रहा होगा आई होप, ओके देखो। ओके तो ये आपके पास दो फार्मूला। ओके अब आपने क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है सिंपल। देखो यू एक्स की वैल्यू आपके पास दे रखी है 15 दे रखी है, एक्सेलेरेशन आपको पता है जीरो होती है, तो 15 आपके पास मीटर पर सेकंड आ जाएगा, एक्सेलेरेशन एक्स एक्सिस के अलावा जीरो होती है। यहाँ पे जो यू वाई है वो जीरो। ओके क्योंकि आपने एक्स की अलोंग फेंका है उस सब्जेक्ट को, ये जीरो हो गया। 9.8 एक्सेलेरेशन आ गई मल्टीप्लाई टाइम 10 निकालना है, तो आपके पास जो आंसर आएगा 98 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ओके अब आपने जो वेलोसिटी है फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। ओके ये एक्स एक्सिस की होगी, वाई एक्सिस की होगी, अब जो आपकी वेलोसिटी रहेगी वो रहेगी देखो वी, इन दोनों का
रिजल्टेंट आएगा वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। ओके, दोनों के बीच की वेलोसिटी आप फाइंड आउट करोगे। ओके, तो दोनों का स्क्वायर आप कर दोगे 15 का स्क्वायर प्लस 98 का स्क्वायर। दोनों का स्क्वायर करोगे आपके पास जो आंसर आएगा वो लगभग 100 के करीब आपके आंसर आएगा, 99.1 मीटर पर सेकंड आपके पास आंसर आ गया। ओके, तो ये आप कर लोगे 99.1 मीटर पर सेकंड आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस न्यूमेरिकल, आपको ये न्यूमेरिकल समझ आ गए होंगे। ओके, तो आज हम इतना ही करेंगे न्यूमेरिकल, नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट डे सॉल्व करेंगे। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय। तो आपने क्या करना है, अपनी नोटबुक के अंदर भी ये न्यूमेरिकल करने हैं। ओके, जितने आप प्रैक्टिस कर सको। ओके, साथ साथ अपने नोट्स बनाते रहना, जितने भी चैप्टर हुए हैं उनके नोट्स आपके प्रिपेयर होने चाहिए। ओके, और अपना अपनी नोटबुक भी स्कूल आके चेक करवा सकते हो। ओके, कोई भी प्रॉब्लम भी डिस्कशन कर सकते हो। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।